हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म म्यूनिक द एज ऑफ वॉर को, जो कि एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टिन शाओचाओ ने। तो वही फिल्म की कास्ट में है जॉर्ज मैकी, जेरेमी आयरन्स, जेनिस न्यू ऑनर एंड लीव लिसा फ्राइस। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है 1938 के टाइम पर, जब अडॉल्फ हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जो नेवल सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती, जिसे रोकने की जिम्मेदारी एक तरह से एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट यूग लेटर और जर्मन डिप्लोमेट पॉल को दी गई है। जो वो कैसे करते हैं, क्या कर पाते भी हैं या नहीं, वही जानने के लिए आपको देनी होगी बायोग्राफी ड्रामा फिल्म म्यूनिक द एज ऑफ वॉर। जिसकी सबसे पहले कास्टिंग की बात करूं, क्या फिर कहूं फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो वो है एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जो नो डाउट हर एक की कमाल की है। फिर चाहे नाम जॉर्ज मैकी का लो, क्या चाइनीज न्यू ऑनर का, क्या जेरेमी आयरन्स का, हर एक की परफॉर्मेंस अगेन कमाल की है। बाकी फिल्म का मेन फोकस तो जॉर्ज मैकी का कैरेक्टर क्यूब और पॉल का कैरेक्टर है, जिसे प्ले चाइनीज न्यू ऑनर ने बहुत ही अच्छे से किया है, और हाँ, जॉर्ज मैकी ने भी, जो दोनों एक तरह से दोस्त हैं, पर दोनों को कई बार एक साथ तो कई बार अलग अलग चीजें करनी और डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और हाँ, कई सारे वो लोग भी जो एक तरह से उनके खिलाफ हैं। बाकी बात करूँ कहानी की, तो ये एक वॉर ड्रामा फिल्म है, और नहीं भी, क्योंकि ये फिल्म वॉर पर नहीं, उससे पहले के टाइम पर फोकस करती है, जिस टाइम पर कंट्रीज और लोगों की सोच क्या थी और सिचुएशन कैसी थी, वो ये फिल्म बहुत ही अच्छे से दिखाती है दोनों ही मेन लीड कैरेक्टर्स के नजरिए से, जिसमें कई सारे इंटेंस और इमोशनल मोमेंट्स भी देखने मिलते हैं। बाकी फिल्म सेम नेम की नॉवल पर बेस है, जिसे लिखा रॉबर्ट हैरिस ने है। तो वही कैरेक्टर्स फिक्शनल है, पर स्टोरी कुछ हद तक नहीं। बाकी तारीफ तो बनती है फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टिन शाओचाओ की, जिन्होंने उस टाइम को, सिचुएशन को और लोगों की सोच को स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे से दिखाया है, जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म का डायरेक्शन नो डाउट कमाल का है। बाकी बीजीएम भी अच्छा है डायरेक्शन की तरह ही। और रही बात एडिटिंग और लेंथ की, तो ये एक ड्रामा फिल्म है जिसकी लेंथ आपको ज्यादा और पेसिंग स्लो लगेगी, जिससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये फिल्म आपके लिए है, अगर आपको ड्रामा बायोग्राफी और हिस्टोरिकल फिल्म्स देखना पसंद है तो ही। तो ओवरऑल मेन असल में म्यूनिक द एज ऑफ वॉर एक काफी अच्छी बनाई गई हिस्टोरिकल ड्रामा बायोग्राफी फिल्म है, जिसे देखना ना देखना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, और फिल्म का हिंदी डब हमेशा की तरह ही कमाल का है। फिल्म म्यूनिक द एज ऑफ वॉर को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था म्यूनिक द एज ऑफ वॉर को लेकर मेरा रिव्यू, पर अगर आपने फिल्म पहले से ही देख ली है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।